गिफ्ट आया हुआ देख रही हूँ, अनबॉक्सिंग कर करती होगी, देखती हूँ क्या है। वाओ यार पैकिंग तो बहुत सुंदर है। क्या है इसमें पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या है इसमें, ये क्या आइटम है। अब ये यही बताएगी, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है। तो ये ऊपर से क्या गार्निश पड़ा है कुछ समझ नहीं आ, ये तो वो लग रहा है हमको ऊपर से छोटे छोटे आम आ गए जी। ये देखो छोटे छोटे आम आ गए, ये देखो बड़ा। एंड क्या है ये पहले बताओ, ये है क्या एक्चुअली में? अरे यार हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, क्योंकि दो दिन तो मेरे बीत गए। पहले दिन बुधवार था, फिर बृहस्पतिवार था, और दोनों दिन हम लोगों ने नमक नहीं खाया था। और आज है तीसरा दिन, और आज है शुक्रवार। और देखिए मेरा भी लुक और इसका भी लुक, और साथ में हम लोग का जो ब्रेकफास्ट है वो आपके सामने है। नमक वाला है ये, आलू देसी घी में बना हुआ। क्या चीज़ है ये अभी? आलू ग्रेवी है, आलू है, टमाटर है, ग्रेवी है, और ये देसी घी में बना हुआ है विद ग्रेवी के साथ मिला करके, और सेंधा नमक के साथ, और ये साथ में चाय। तो ये हम लोग ले रहे हैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग अपने क्लिनिक पहुंच चुके हैं ऑफिस, और अभी यहाँ पर ब्लड प्रेशर चैलेंज हो रहा था मेरा और हैप्पी का, दोनों का सेम आया, दोनों का लगभग 113 और 80 के आसपास आ रहा था, यानी कि 110-80। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा बीपी इतना डाउन आया, नहीं तो कभी डाउन नहीं होता, कभी नहीं। दवा खाने का दो-दो टाइम, दवा खाने के दो-दो दवा टाइम दवा खाता था, बट ये नवरात्रि का फास्ट सही है यार, मुझे फास्ट करना चाहिए। सप्ताह में अब दो-दो दिन फास्ट करता हूं, अगर सप्ताह में दो दिन फास्ट, और नॉर्मल डे भी नॉर्मल खाना खाए ना, मतलब फास्ट नहीं भी करते हैं तो हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो उससे भी ठीक हो जाएगा। तो गाइज फास्टिंग का बहुत असर है, अगर आप मतलब लाइट फूड यूज करते हैं, और खासतौर पर जिसमें आप अपने खाने में सलाद की मात्रा बढ़ाते हैं, हरी सब्जियां या फिर ये सब चीज़ें, साग आइटम, तो वो कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर देता है, आपको एनर्जी मिल जाती है, बट आपका जो बाकी मेटाबॉलिज्म है ना वो भी फास्ट हो जाता है, और साथ में जो शरीर में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं नमक साल्ट वगैरह, तो आपके ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक और रीनल जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। क्या है इसमें पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या है इसमें। वाओ यार कितना खूबसूरत पैकिंग, वाओ ये क्या अच्छा ये परफ्यूम है, इत्र बोलते हैं ना सर इसको, देखती हूँ कितना, वाओ कितना खूबसूरत है पैकिंग, कितना सुंदर है। और देखो ये अच्छा चार चार है इसमें, मैं दिखाती हूँ आपको, छोटा सा प्यारा सा है, दोनों सुंदर था, पैकिंग ही इतना खूबसूरत है, छोटा छोटा दो हो गया, ये दोनों इतर ही है, ये दो इतर है। और इसमें देखने के क्या है, ये परफ्यूम होगा कि या कोई सेंट होगा, ये सेंट है, परफ्यूम ये कितना खूबसूरत है, सेराइन का पेरिस का, एक मिनट रुक जाओ। हेलो, बहुत बहुत खूबसूरत सेंट, बहुत अच्छा है इसका, अच्छा ना होगा ये, क्या कह ली, पूरा पैक हो गया पैक। अरे यार कितना अच्छा महक रहा है ना, अच्छा भाई आज हैप्पी बहुत खुश है, क्योंकि क्या मिला है तुमको जी, गिफ्ट मिला है परफ्यूम, अब लड़कियों को परफ्यूम मिले तो खुश ना हो तो वही, इतना अच्छा अच्छा मतलब इतना मतलब उसका खुशबू अभी भी महक रहा है, थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा बिल उठा रहा हूँ इसको, अभी बंद कर देते हैं। तो भाई अभी टाइम हो चुका है खाना खाने का, लंच मतलब वही फलाहार ही लेंगे ना, फास्ट है तो फास्ट को खाने में तो यही सब लेना पड़ता है ना, फलाहार ही। इसको बंद करो तुम। तो गाइस आज के लंच टाइम में हम लोग आज करेंगे ये देखिए सलाद, आधा मैं खा चुका हूँ,
हम लोग सलाद खाएंगे, और ये पता है स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब लाभदायक है। और आजकल जब ये मैं खा रहा हूँ ना तो मेरा बीपी भी डाउन रहता है। अभी सलाद ख़त्म कर ही रहा होता तब तक देखिए यहाँ पी ने क्या बना के लाएगी। ये देखिए ये क्या आइटम है, अब ये यही बताएगी। ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है, तो ये ऊपर से क्या गार्निश पड़ा है कुछ समझ नहीं आ रही। ये तो वो लग रहा है हमको ऊपर से जो गार्निश डाली हो ये वो है अंगूर है। एक्चुअली मैं क्या इसका बताऊँ, इसको एक्सप्लेन करो क्या है। दही का रायता, दही का रायता नहीं आलू का रायता। आलू रायता, अच्छा तो इसमें क्या क्या पड़ा है जो फास्ट में खाना होता है? वही जो फास्ट में खाया जाता है, दही दही, फिर उसमें जो जीरा भूंज के और पीस के ना होता है, और सेंधा नमक और थोड़ा सा दही को मीठा करने के लिए थोड़ा सा चीनी। चीनी हाँ, तो इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है मतलब। उसके बाद उसे आलू का रायता ग्राइंडर से ग्राइंड कर दो, ग्राइंड करके फिर आलू उसमें कट करके आलू थोड़ा सा डाल देते हैं। तो मैं इसको ट्राई करूं, बॉईल आलू। हाँ खा के देखिए कैसा लग रहा है। अरे यार गाय जी अल्टीमेट चीज है बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप लोग बना के। ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गया यार। मीठा मीठा भी लग रहा है यार, तुम तो रायता मास्टर हो भाई। ये सही चीज है एक्सपेरिमेंट। शाम का समय देखो कितना अच्छा है, कितने पत्ते गिरे हैं ना नीचे। ये देखो मोजर भी आ गया, कितना आम का मोजर। ये छोटे छोटे आम आ गए जी, ये देखो छोटे छोटे आम आ गए। ये देखो बड़ा बड़ा। वापिस से निकल चुके हैं और अभी थोड़ा चूँकि शाम को फ्रूट वगैरह खाना होता है ना, इसमें तो फ्रूट ही सबसे ज़्यादा खाना होता है, तो अभी हैप्पी वहाँ फ्रूट खरीद रही है। अभी यहाँ पे संतरा अंगूर ले चुकी है और अभी वो केला खरीदने गई है। तो क्या कर रहे थे, टाइम लगा इसको नीचे रख दो, बैठ अभी ना। चलो ठीक, में गाइस आज हम लोग वो लाए हैं लालमी मटर मिला लाए हैं। ये रेगिस्तान में ज़्यादा होता है बालू वालों में, ये मतलब वाटर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये संतरा और ये क्या है इनका, सेब केला ली होगी। और ये अंगूर, ये गोल वाला अंगूर है गाइस, गोल वाला अंगूर ना मीठा होता है, और ये जो लंबा वाला अंगूर आता है वो खट्टा होता है। गाइस पता है शाम हो चुकी है, शाम के करीब 7:30 होने वाले हैं। हम लोग आ चुके हैं घर और मेरा बीपी थोड़ा सा आज फॉल कर रहा था, मैं आपको बताएं। और ये जो बैठी है लड़की, ये जो सामने देख रहे हैं आप, इस लड़की ने शाम को कुछ मेरा बीपी को इन्हेंस करने के लिए मतलब उसको मेंटेन करने के लिए कुछ जुगाड़ बनाया है। और जुगाड़ क्या बनाया होगा सोचिए, गैस करिए। ऑब्वियसली साल्टी कुछ होगा, कॉफ़ी तो होगा ही स्टिमुलेंट, बट साथ में कुछ अलग होगा। और वो क्या है मेरे सामने है, टन टन, क्या है ये बताओ ये है क्या एक्चुअली में? अरे यार मतलब अगर गाय ऐसे फास्ट रहना हो ना, मैं पूरी जिंदगी फास्ट हूँ मतलब वाह वाह गाय देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट साबुदाना और आलू का मिला करके क्रंची। और क्रंची कुछ नहीं, बेसन वेसन कुछ नहीं इसमें, आलू साबुदाना और नमक ये मिला करके तेल में छान दिया गया है। वाह, और स्वाद तो पूछे मत, लाजवाब। वाह, अब मेरा बीपी मेंटेन हो जाएगा, जो कम हो गया था ना वो मेंटेन हो जाएगा। और साथ में स्टिमुलेंट के लिए ये है कॉफ़ी, कॉफ़ी तो खैर अल्टीमेट बनाती है। तो भाई लोग ये तो रहा शाम का अपना स्नैक्स, चाय के साथ कॉफ़ी के साथ। अब रात में डिनर का क्या प्रोग्राम होगा ये बताइए। अभी तो खा रहे हैं ना, अभी खा लीजिए उसके बाद। नहीं तो अभी तो ये तो खा रहे हैं तो अगला का टेंशन तो लगा रहे हैं। देखा ये तो मिल गया ना, ये तो मेरे सामने है। अब आगे आने वाले क्या है वो तो जानना पड़ेगा, आगे आएगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो बताओ ऐसे नहीं होगा। अब सोचूंगी अभी तो, फिर भी थोड़ा सा कुछ सोची नहीं। मैं सोच अचानक से जाती हूँ किचन में, दिमाग देखती हूँ क्या सामान क्या है। तो यानी कि मेरे लिए भी सरप्राइज होगा, इसके लिए भी सरप्राइज। देखते हैं डिनर में क्या बनाती हैं। अभी तो फिलहाल इसको मजा लिया जाए। वाकई में गाइस मतलब अल्टीमेट बन रहा है। अच्छा कैसे बनाएंगे एग्जैक्टली बताओ। साबुदाना
मखाना को मैं पहले पीस दी थी, पाउडर डाली हूँ, आलू बॉइल की हूँ, इसमें नमक शिमला नमक और मिर्चा काट ली हूँ छोटे छोटे करके, उसके बाद सबको एक साथ मतलब पाउडर ये सब मिक्स कर दी हूँ, उसके बाद घी में तल दी हूँ। तो गाइस अभी फटाफट चाय वाय पीने के बाद और स्नैक्स लेने के बाद अब चूंकि टाइम हो गया है 8 बज गया है, कल वाला ब्लॉग भी रिलीज हो चुका है, आप लोग फटाफट ब्लॉग देखिए। और अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करने, क्योंकि एक्सरसाइज से ही मेरा बीपी कंट्रोल है, सेहत भी कंट्रोल है, चेहरे पे चमक भी मेंटेन है, और आप भी करिए। और अभी हम लोग फटाफट मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, और छोटा सा एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, 4-5 राउंड लगाएंगे, करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर हो जाते हैं। अब इसको धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा ना कि वो थोड़ा सा सब कुछ मेंटेन रहेगा, दवा ववा कम खाना पड़ेगा ना इन फ्यूचर। तो अभी मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो गाइस फटाफट हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद अब आ चुके हैं और फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश होने के बाद अब टाइम हो चुका है हम लोगों के डिनर करने का, फलाहारी डिनर। फलाहारी डिनर में क्या बनाइए भाई पी? वाह गाइस, आज है फलाहारी डिनर में आलू और लौकी। आलू कम है, लौकी ज़्यादा। आलू है क्या है? आलू कम है, लौकी ज़्यादा है, लौकी का फ्राई घी में और नमक, और ये दूध पियेंगे हम लोग शानदार, और आज का फलाहारी यहीं ख़त्म करेंगे। भाई फाइनली हमने अपना फलाह कर लिया है और माता दुर्गा की कृपा हम लोगों के ऊपर है, इसलिए देखिए तीसरा दिन है व्रत का और ज़्यादा हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, फिर भी कोई असर नहीं है शरीर पे, एकदम बिल्कुल फिट एक्सरसाइज करते हुए। इसमें स्कैन कर लीजिए, नहीं कल का तैयारी कर रख दूँ बाहर निकाल के, सब सुबह गाजर खीरा मूली। और हम लोग ना लगभग 10,000 स्टेप पूरा किए हैं कम्प्लीट, देखते हैं अभी 9,824। तो गाइस फाइनली अब रात बहुत हो चुकी है, तो अब फाइनल टाइम हो चुका है फटाफट एडिटिंग करने का, 5-10 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, और एडिटिंग करने के बाद अब सोने का टाइम हो चुका है। तो अभी ये रहा मेरा टैबलेट, जो फटाफट मैं रिकॉर्ड लगाऊंगा और एडिट कर दूंगा और ब्लॉग डाल दूंगा, कल आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइनली अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए अंदाज में, नए तरीके से। आज तो तीसरा दिन, कल होगा 4th दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Oh, oh, oh.